मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। टुडे आई डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन। आपको आज बताऊंगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। आप जानते हो कि हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, और हार्ट के अंदर एक रेगुलर कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन सिस्टोल और डायस्टोल होता है। यानी हमारे हार्ट के अंदर का जो फ्लो है दो बार फ्लो होता है, एक बार प्योर ब्लड फ्लो करता है और एक बार इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। मतलब कि हमारे हार्ट में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसी बेटा हार्ट के अंदर दो बार फ्लो ऑफ ब्लड को, टू टाइम फ्लो ऑफ ब्लड इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब होता क्या है, कैसे ये होता है? ये एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी के राइट, अगर हम देखेंगे तो राइट ऑरिकल से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। वहाँ से पल्मोनरी एरेटा के द्वारा कहाँ पहुँचता है, लंग्स के अंदर, और वहाँ से पल्मोनरी वेंस के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेंस से कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचेगा। और लेफ्ट ऑरिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि पल्मोनरी वेंस क्या लेकर के आती है, जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, और ये लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए जो है कि ये एरोटा के द्वारा बॉडी पार्ट्स में पहुँचेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के आधार पर डबल सर्कुलेशन दो तरह का होता है। एक होता है पल्मोनरी, दूसरा होता है सिस्टमिक। पल्मोनरी में क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड का जो है कि फ्लो होना थ्रू द लंग्स इज नोन एज क्या कहता है, पल्मोनरी। पल्मोनरी फिर से बता दूं कि लंग्स के द्वारा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड का फ्लो होना पल्मोनरी हो गया। और सिस्टमिक में क्या हो गया कि सर्कुलेशन ऑफ प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल तक किसके द्वारा, बॉडी के पार्ट्स के द्वारा, इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा हार्ट है और ये हमारा लंग्स है। पल्मोनरी वेंस के द्वारा पल्मोनरी वेंस ब्लड लेकर के यहाँ कहाँ पे आई, हार्ट में आई, और हार्ट से एरोटा के द्वारा कहाँ गया, बॉडी के पार्ट्स में गया, कैपिलरी इन द बॉडी, और ये सारी कैपिलरीज इकट्ठा हो गई, क्या बनाई, वेना केवा। वेना केवा कहाँ लेके गई, हार्ट के अंदर ले गई। फिर पल्मोनरी आर्टरी जो थी वो कहाँ गई, हार्ट से लंग्स के अंदर लेके गई। तो यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो बार सर्कुलेशन, एक बार लंग्स के थ्रू हो रहा है, एक बार बॉडी पार्ट्स के थ्रू हो रहा है। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हो गया आपका जो है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब क्या है कि ये जो हमारे बॉडी के, जो हमारे हार्ट के अंदर जो सेपरेशन है कि एक बार प्योर ब्लड आएगा, एक बार इम्प्योर ब्लड आएगा, ये अवॉइड करता है किससे, कि प्योर और इम्प्योर ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर बोलते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर बोलते हैं, ये दोनों को अवॉइड करता है, जिससे कि दोनों ब्लड सेपरेट रहते हैं। और इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि इससे अंदर जो एफिशिएंसी की सप्लाई होती है, CO2 की सप्लाई होती है बॉडी के अंदर, और ये बहुत ही यूजफुल होता है हाई एनर्जी नीडेड एनिमल के अंदर, जैसे कि मैमेलिया के अंदर, बर्ड्स के अंदर ये जरूरी होता है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट, दैट्स द डबल सर्कुलेशन। थैंक यू।